माय चैनल मॉम एंड बेबी वर्ल्ड। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का सॉलिड फूड 6 मंथ की एज से स्टार्ट होता है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। आई मीन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी पेरेंट्स के मन में आते हैं, जैसे कि बच्चों को कितनी क्वांटिटी में खाना दें, कौन से टाइम पे दें, क्या दें और क्या ना दें। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। जब हमारी बेटी 6 मंथ्स की होने वाली थी तो ये सेम क्वेश्चंस हमारे मन में भी आए थे। तो फिर हमने काफी रिसर्च किया इस पे एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने एक डाइट चार्ट बनाया है फॉर 6 to 9 मंथ बेबीज, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। ये कम्प्लीटली हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, विच रियली वर्कड वेल फॉर माई डॉटर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड आई एम श्योर आपको हेल्प करेगा ये काफी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि बच्चों को कौन से टाइम में खाना देना चाहिए। तो जब भी आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्राई करिए कि आप उसे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ही खाना दें, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया या लंच हो गया। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अगर बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे है तो आप सॉलिड फूड के 30 to 45 मिनट्स पहले उसे ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें, या अगर बेबी फॉर्मुला मिल्क पे है तो 1 से 1.5 घंटे के पहले आप उसे फॉर्मुला दें, क्योंकि टिल 1 ईयर ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क शुड बी द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो सॉलिड फूड है वो रिप्लेस नहीं करना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान रखिए। सो सेकेंड चीज है कि कितना क्वांटिटी में खाना देना चाहिए। तो इसका ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 1-2 स्पून्स एंड देन बेबी को ही आप डिसाइड करने दीजिए क्वांटिटी। एंड बिल्कुल भी फोर्स फीड करने की जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज फूड टिल 1 ईयर इज जस्ट फॉर फन एंड लर्निंग, सो लेट द बेबी एंजॉय। सो द नेक्स्ट थिंग इज बेबी का सिटिंग पोजिशन क्या होना चाहिए। तो जब भी बेबी को आप सॉलिड फूड दे रहे हैं, मेक श्योर कि वो अपराइट पोजिशन में ही हो, चाहे वो आपकी लैप में हो या हाई चेयर में हो या बूस्टर चेयर में हो, बट वो इंक्लाइंड पोजिशन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे चॉकिंग हजार्ड का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। तो अब तक हमने सारी बेसिक चीजें देख ली हैं, अब हम लोग मूव करते हैं बेबी के डाइट चार्ट पे। आइए देखते हैं। तो इस मील प्लान को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज 6 to 7 मंथ्स, सेकेंड इज 7 to 8 मंथ्स एंड थर्ड इज 8 to 9 मंथ्स। तो शुरू करते हैं 6 मंथ्स मील प्लान से। तो 6 मंथ्स में बेबी को दिन में सिर्फ 1 मील की ज़रूरत होती है और आपको उससे ज़्यादा उसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टिल 1 ईयर मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। तो मेक श्योर करिए कि आप सिर्फ 1 मील से शुरू करें एंड देन स्लोली आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप 7 मंथ्स के बेबी को 2 मील दे सकते हैं, 8 मंथ्स के बेबी को 3 मील्स दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे एक डाइट चार्ट प्रिपेयर किया है 6 मंथ्स के बेबी के लिए। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हमको सिर्फ 1 मील देना है, तो वो 1 मील ब्रेकफास्ट या लंच में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को इनिशियली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ही देना चाहिए। तो ट्राई करिए कि आप ब्रेकफास्ट या लंच देते हैं उसको। कुछ फूड ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। फर्स्ट इज पॉरेज। तो पॉरेज बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि आप रागी का पॉरेज दे सकते हैं, आप ओट्स का पॉरेज दे सकते हैं बेबी को। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि उसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्पून में लें और वो उससे गिर जाए, इट शुड बी थिक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है दाल राइस। तो हम लोग दाल चावल जैसे घर पे खाते हैं, सेम वे में आप बनाएं बच्चों के लिए। अगेन यहाँ पे भी दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए और दाल का पानी या वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाल के पानी वगैरह से क्या होता है कि बच्चों का जो टमी होती है वो फिल हो जाती है, बट उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। तो मेक श्योर कि उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो, थिक हो। तो सेम वे जैसे हम लोग बनाते हैं, वैसे ही आप दाल राइस बना सकते हैं और आप थोड़ा सा उसमें घी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो राइस को हल्का सा ज़्यादा कुक कर सकते हैं ताकि बच्चों को खाने में थोड़ा इजी हो जाए। थर्ड ऑप्शन है पराठा। तो पराठा आप प्लेन पराठा भी दे सकते हैं या फिर आप स्टफ्ड पराठा दे सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं आप इसको। तो फोर्थ ऑप्शन है स्टीम्ड वेजिटेबल्स।
तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। आप हल्का सा स्टीम कर सकते हैं वेजिटेबल्स को और फिर उसको हैंड मैश करके दे सकते हैं। तो मेरा एक वीडियो है फर्स्ट सॉलिड फूड पे, आपको उसमें लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे मेरे चैनल में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है खिचड़ी। तो खिचड़ी भी हम लोग बना सकते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के उसमें, और उसको थोड़ा सा स्लाइटली ओवर कुक कर दीजिए ताकि ईजी हो जाए वो खाने में। उसके बाद पुलाव भी आप दे सकते हैं विथ लॉट ऑफ वेजीज अगेन। उसके बाद आप स्टीम फ्रूट भी दे सकते हैं, तो आप एप्पल या और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसको आप स्टीम करके बच्चों को दे सकते हैं हल्का सा मैश करके। एंड आप स्टीम ना करना चाहे तो बहुत सारे राइप फ्रूट्स होते हैं जैसे पियर हो गया, तो उसको भी आप हाथ से मैश करके ही दे सकते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं करनी है हमको, हमको प्योरी वगैरह नहीं देनी है बच्चों को, प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला खाना ही देना है बच्चों को जितना हो सके। तो ये तो हमने देखे कुछ ऑप्शंस, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो आप लोग जनरली जो भी खाते हैं लंच या ब्रेकफास्ट में, उसमें से आप सॉल्ट एंड शुगर हटा के आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं 7 मंथ्स के बेबी का मील प्लान क्या होना चाहिए। तो 7 मंथ्स में आप एक मील ऐड कर सकते हैं बेबी के डाइट में, या तो आप एक मील ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक स्नैक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप या तो ब्रेकफास्ट लंच दे सकते हैं, या फिर आप ब्रेकफास्ट या लंच में से कुछ एक और आप इवनिंग स्नैक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच अगर हम देते हैं, 2 मील देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या फूड ऑप्शंस हैं। तो शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आप बेबी को इडली सांभर दे सकते हैं, आप पराठा दे सकते हैं विथ योगर्ट, और आप स्टीम वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं, या आप डोसा दे सकते हैं, आप पोहा, उपमा, सेवई उपमा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं। आप इवन पैन केक्स भी दे सकते हैं, तो पैन केक्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, अवोकाडो के होते हैं, स्वीट पटेटो के होते हैं, बनाना के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने आलमंड पाउडर डाल दिया या कुछ और आपने डाल दिया थोड़ा सा। जस्ट ट्राई करिए कि आप उसको जब इनिशियली आप इंट्रोड्यूस करते हैं नट्स, तो आप सेपरेटली एक एक को ट्राई कर लीजिए कि बेबी को कोई रिएक्शन तो नहीं है, और उसके बाद आप खाने में उसको लिटिल अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लंच में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो आप लोग लंच में खिचड़ी दे सकते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, या आप दाल चावल भी दे सकते हैं, आप रोटी सब्जी भी दे सकते हैं, या आप दलिया भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो कुछ भी आप लोग खाते हैं अपने घर में लंच टाइम में, वो आप बेबी को दे सकते हैं। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको यही देना है या ये नहीं देना है, सब कुछ आप दे सकते हैं बेबी को। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट और लंच को भी स्वैप कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चे को 2 मील ना देके एक मील और एक स्नैक भी दे सकते हैं, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट या लंच में से एक चूज़ किया और एक इवनिंग स्नैक रखा। तो ब्रेकफास्ट या लंच में तो वो सब सारी चीज़ें सेम ही होंगी, लाइक इडली सांभर, पराठा, खिचड़ी, जो भी हमने ऑप्शंस देखे वो सेम ही रहेंगे। इवनिंग स्नैक्स में आप और कुछ चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मखाना हो गया, पफ्ड राइस हो गया, या होममेड पनीर आपने दे दिया फ्राई करके हल्का सा घी में, या फिर आप बेबी को योगर्ट भी दे सकते हैं और राइप फ्रूट्स भी दे सकते हैं हल्का सा मैश करके, स्टीम्ड वेजीज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं 8 मंथ्स के बेबी के मील प्लान की। तो 8 मंथ्स में बेबी को 2 मील्स और 1 स्नैक्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग स्नैक। तो आप जो फूड ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, सो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आप लोग चाहें तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ और खाते हो तो, या आप लोग चाहें तो इसको स्वैप भी कर सकते हैं। मैंने आपको जो मील प्लान बताया है वो हम लोग अपने घर में खाते हैं ऑन डेली बेसिस, तो आप लोग जो कुछ भी खाते हो उसके हिसाब से आप इस डाइट चार्ट को चेंज कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को फैमिली फूड से इंट्रोड्यूस कर दें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स की जिससे कई बार बच्चों में एलर्जी हो जाती है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या सोया प्रोडक्ट्स हो गए, या एग और पीनट्स। तो इन चीज़ों से कई बार बच्चों को एलर्जी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी ऐसी चीज़ें दें,
ट्राई करिए कि आप 2-3 दिन तक उसको दें इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, और आप देखिए मॉनिटर करिए कि कुछ बच्चे में कुछ रैशेज या कुछ भी आपको दिख रहा है क्या डिफरेंस। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है तो चांसेस बहुत ही कम है कि बच्चे में आएंगे, बट स्टिल इट्स गुड कि आप मॉनिटर करें उस चीज को। अभी तक हमने इस वीडियो में काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर ली हैं। अब लास्ट में देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें बच्चों में अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज द काउ मिल्क। सो एक साल से पहले आप बच्चों को काउ मिल्क बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होता है और ये डाइजेस्ट करने में भी बहुत हार्ड होता है। सेकंड इज द लिक्विड फूड्स। तो जो भी आप खाना दे रहे हैं बच्चों को उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर जूस देते हैं, सूप, दाल का पानी, चावल का पानी, रनी प्योरी और पॉरेज, तो ये सब कम्प्लीटली अवॉइड करना है हमको, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों की टमी फिल हो जाती है पानी से और उनको इनफ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और ऐसा होता है कि अब हम लोग को लगता है कि बच्चों के टीथ नहीं है, बट उनके टीथ होते हैं अंडर देयर गम्स, तो दे कैन ईजिली मैनेज थिक प्योरीज एंड पॉरेज। सो उनको वाटर कंसिस्टेंसी वाला खाना बिल्कुल भी ना दें। थर्ड थिंग इज कि बच्चों को कभी भी आप फोर्स फीड मत करिए, क्योंकि फीडिंग टाइम फन टाइम होता है, ना कि स्ट्रेस टाइम, तो उनको ही क्वान्टिटी आप डिसाइड करने दीजिए। फोर्थ थिंग इज कि बच्चों के खाने में सॉल्ट, शुगर, हनी, पाम शुगर और डेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक साल से पहले। लास्ट थिंग इज द चोकिंग हैजर्ड फूड। सो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे कि होल नट्स हो गया या अनकट ग्रेप्स या जो भी फूड आइटम्स है जो आपको लगता है कि ये हार्ड है, कि चोक कर सकता है, उसको आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए। तो मैंने इस वीडियो में 6-9 मंथ के बेबीज के लिए फूड वैरायटी, डाइट चार्ट, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड शेयर योर कमेंट एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जितने ज़्यादा पेरेंट्स के साथ हो सके शेयर करें, ताकि उनको भी इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। Thank you so much for watching. Bye-bye.